अपनी पति रोहन और बेटी दिया के साथ एक शहर में रहती थी। मीनू एक स्कूल टीचर थी। उसका पति रोहन एक सरकारी नौकरी करता था। प्यारी बेटी दिया स्कूल में पढ़ती थी। मीनू बहुत ही अच्छी थी, सभी से बहुत अच्छे से बातें करती थी। मोहल्ले में सभी कोई मीनू को बहुत पसंद करते थे, पर मीनू का पति रोहन मीनू के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था, छोटी छोटी बातों पर मारता था। पर मीनू ये सारी बातें सभी से छुपाता था। पर मीनू के काम वाली वाई लक्ष्मी सब समझती थी। भाभी, आपको ये चोट कैसे लगी? वो मैं बाथरूम में गिर गई थी। भाभी, आप डॉक्टर दिखाइए, आप बहुत कमजोर हो गए हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो फिर भाभी, आप हर रोज कैसे गिर जाती है? ज्यादा बातें मत कर, काम कर अपना। तो कुछ ज्यादा ही बातें कर रही है कुछ दिनों से। ऐसे ही दिन बीतते रहे। रोहन बुरा बर्ताव करता था, मारता था, फिर भी मीनू चुपचाप सब सहती थी। खाना लगाओ, मुझे देर हो रही है। अभी लगाती हूँ, आप बैठिए। ये कैसा खाना बनाया है जी? तुमसे कोई भी काम ठीक से नहीं होता है। क्यों, खाना तो ठीक ही बना है, दिया ने तो कुछ भी नहीं बोला है। ये खाना है, तुम ही खाओ। ये बोलकर गरम खाना मीनू के ऊपर फेंक के वो काम के लिए निकल जाते हैं। मीनू रोते हुए सारा काम करके स्कूल चली जाती है। ये सब होते हुए दिया हर रोज देखती थी और सोचती थी, कब वो बड़ी होगी और अपने माँ को लेकर चली जाएगी। एक दिन, माँ, तुम पापा से कुछ क्यों नहीं बोलती हो? बड़ों के मामलों में बातें नहीं करते हैं बेटा। पर पापा ऐसा क्यों करते हैं? I hate पापा। दिया को ये बात बोलते हुए रोहन सुन लेता है और गुस्से से बोलता है, हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी शिक्षा दे रही हो तुम अपने बेटी को, पापा से हेट करना सीख रही हो। वो बच्ची है, मैंने कुछ नहीं सिखाया, उसके सामने ऐसा मत करो। तुम्हें तो मार मार के मार डालना चाहिए, मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़का रही है, आज तेरी खैर नहीं। ये बोलकर रोहन दिया के सामने मीनू को बहुत मारता है, फिर दूसरे रूम में चला जाता है। मीनू दिया को पकड़ के बहुत रोती है। फिर अगले दिन, कल फिर आप बाथरूम में गिर गई थी भाभी। हाँ वो मैं। और कितने दिन भाभी, आप खुद इतने अच्छे काम करते हैं, फिर आप ये सब क्यों सह रही है? दिया के लिए, मैं उसे उसके पिता से दूर नहीं करना चाहती हूँ। पर भाभी, क्या दिया बेटी खुश है? क्या वो रहना चाहती है अपने पापा के साथ? नहीं, मैं मम्मी को यहाँ से दूर, पापा से दूर ले जाना चाहती हूँ, पापा बहुत बुरे हैं। देखा भाभी, दिया बेटी भी यही चाहती है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। पहले तो आप पुलिस के पास जाइए, फिर जरूरत पड़े तो वकील के पास। फिर तीनों मिलके पहले पुलिस स्टेशन जाते हैं, फिर वकील के पास। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस और डिवोर्स का केस करेंगे। मेरे साथ बहुत बुरा किया है उसने, लंबा जेल होना चाहिए उसे। वो तो हो गई, साथ में उसकी नौकरी भी जाएगी। भाभी को बहुत मारते थे, उनको बड़ी सजा मिलनी चाहिए साहब। पर हमें सबूत की जरूरत है, मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, पर एक गवाह हो तो अच्छा होगा। मैं देगी ना गवाही साहब। नहीं, तुम अकेले देने से नहीं होगा, आसपास का कोई हो तो अच्छा होगा। अंकल, मैंने देखा है, पापा मम्मी को बिना वजह बहुत मारते थे, मेरे बोलने से नहीं होगा। तुम बोल पाओगी कोर्ट में? डर नहीं लगेगा? नहीं अंकल, मैं जरूर बोलूंगी,
मुझे डर नहीं लगेगा। फिर कोर्ट में दिया की और लक्ष्मी की गवाही और मेडिकल रिपोर्ट से ये साबित हो जाता है कि रोहन मीनू के ऊपर अत्याचार करता था। रोहन को 7 साल की सजा मिलती है, मीनू को डिवोर्स भी मिल जाता है। उसके बाद मीनू और दिया एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। भोपाल के नजदीक एक छोटा सा गांव था भरतपुर। वहां विजय नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। वो बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा था। कॉलेज पास करने के बाद उसे बहुत सारे जॉब ऑफर भी मिला था, लेकिन उसे बैंक में नौकरी करना था, इसलिए परीक्षा देकर उसे एक इंटरनेशनल बैंक में नौकरी मिल जाता है। माँ बाबा, आज मैं बहुत खुश हूँ, आखिर मुझे एक इंटरनेशनल बैंक में नौकरी मिल गई। जीते रहो बेटा। 2 साल वो बहुत मेहनत से काम किया। उसके काम से उसके सीनियर बहुत ही खुश थे, इसलिए एक सीनियर एक दिन विजय से कहा, विजय तुम्हें कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन देनी है। हाँ सर, बोलिए ना। बेंगलोर हेड ऑफिस से एक प्रपोजल आया है। इस ब्रांच से एक कैपेबल स्टाफ को वहाँ सीनियर ब्रांच मैनेजर का पोस्ट मिलेगा। मेरी नज़र में तुम ही बेस्ट च्वाइस हो। वहाँ 1 साल रहकर फिर से तुम यहाँ ट्रांसफ़र ले पाओगे, और यहाँ भी तुम्हारा पोस्ट मेरी तरह सीनियर ब्रांच मैनेजर ही होगा। मेरी मानो तो तुम इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लो। ठीक है सर, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, और थैंक यू सर मुझे इस लायक समझने के लिए। घर आकर विजय अपनी माँ बाबा को इस बारे में बताता है। 1 साल हमसे दूर रहेगा बेटा, सब कुछ तो तुझे अकेला ही करना पड़ेगा। माँ तुम चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान ठीक से रख लूँगा। फिर भी बेटा, माँ को चिंता होती ही है। फिर विजय फ्लाइट पकड़कर बेंगलुरु पहुँच जाता है। फिर दूसरे दिन वो ऑफिस गया तो देखा उसका ये ब्रांच उसके भोपाल वाले ब्रांच से बहुत ही बड़ा है। इतनी बड़ी ऑफिस अक्सर छोटे शहरों में नहीं दिखता है। विजय वहाँ सीनियर ब्रांच मैनेजर के पोस्ट पर ज्वाइन किया। वहाँ के स्टाफ विजय को बहुत अच्छा वेलकम भी किया। फिर वो अपने घर में कॉल किया। माँ, ये ऑफिस बहुत बड़ा और बहुत सुंदर है। तू खुश है? तो हम भी खुश है बेटा। कुछ दिन काम करने के बाद एक दिन एक लड़की विजय के अंडर जूनियर पोस्ट पर ट्रांसफर होकर आती है। उस लड़की का नाम थी उदई। वो बहुत खूबसूरत और इंटेलिजेंट थी। उदय की इंटेलिजेंसी और शांत स्वभाव विजय को आकर्षित करने लगा। उदय जी, आप जरा ये फाइल चेक करके लाएंगी प्लीज? यस सर। आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर तो नहीं पड़ रहा है? नो सर, नॉट एट ऑल, इट्स माय ड्यूटी, डोंट वरी, आई विल मैनेज। ऐसे ही चल रहा था। एक दिन उस ऑफिस में एक फेस्टिवल का आयोजन किया गया। वहाँ सभी ऑफिस स्टाफ को इनवाइट किया गया। विजय सज धज कर वहाँ आया। उदय और उसके बाकी स्टाफ भी वहाँ आए थे, पर उदय बाकियों से कुछ अलग लग रही थी, क्योंकि वो पूरी ट्रेडिशनल साउथ इंडियन ड्रेस पहन कर आई थी। सभी उदय को देख रहे थे, विजय की नज़र भी उस पर पड़ा और वो खुद को रोक नहीं पाया और उदय से जाकर बातें करने लगा। उस दिन के बाद से विजय के दिल में उदय के लिए प्यार बढ़ने लगा। कुछ दिन जाने के बाद एक दिन विजय उदय को अपने दिल की बात बता देता है। उदय, आप अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहें आपसे। श्योर सर, प्लीज टेल मी। जी, हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम आपको अपने जूनियर से कुछ ज़्यादा ही समझने लगे हैं। आपके लिए स्पेशल फीलिंग रखते हैं। क्या आप मेरी जीवन संगिनी बनेंगी? व्हाट? माइंड मत कीजिए, पहले दिन से आप मुझे बहुत पसंद आए थे। क्या आप हमें एक चांस देंगी? लेकिन उदय इसका कोई जवाब नहीं देती और मायूस होकर खड़ी रहती है। क्या हुआ उदय? क्या आपको मैं पसंद नहीं? अगर ऐसी बात है तो भूल जाइए इस मैटर को। तब उदय ने कहा, मैं आपको पसंद करती हूँ सर, लेकिन माय फैमिली लव मैरिज के खिलाफ है, एंड माय फादर पहले से एक लड़के को देख रखा है। अगर आप कहें तो आज ही आपकी जिम्मेदारी लेने को हम राजी हैं, बाकी आप हम पर छोड़ दीजिए। आई नीड सम टाइम टू थिंक सर।
दो दिन सोचने के बाद उदय भी विजय को हाँ कर देती है और वो दोनों चुपके से अपने कुछ कॉलिक के मदद से रजिस्ट्री मैरिज कर लेती है। लेकिन किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं लगता। फिर एक साल बीत जाता है, विजय का लौटने का भी समय आ जाता है, इसलिए दोनों ही भोपाल ब्रांच में ट्रांसफर ले लेते हैं। फिर उदय घर में एक चिट्ठी लिखकर विजय के साथ भरतपुर आ जाती है। घर लौटने के बाद जब विजय के घर वालों को ये सब पता चला, तब उसकी माँ बोली, तू हमसे बिना बताए शादी कर लिया और मैं जो लड़की तेरे लिए देख रही थी उसका क्या? बाद भी कितना बढ़ चुका है, नाक कटवा दिया तूने। पर माँ, तुम हमसे एक बार तो पूछ लेती। मुझे क्या पता था कि तू ऐसे शादी करके ले आएगा? तू ऐसा तो नहीं था, इस लड़की ने ही तुझसे जबरदस्ती शादी की होगी। माँ कैसी बात कर रही हो तुम, हम उससे प्यार करते हैं और मैंने अपनी मर्जी से उदय से शादी की है। सुशीला, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, तुम बहू को स्वीकार कर लो। ठीक है, आप बोल रहे हैं इसलिए मान लेती हूँ। ऐसे ही चलता रहा, लेकिन उदय को इंग्लिश और तमिल भाषा ही अच्छे से बोलना आती थी और वो टूटा टूटा हिंदी बोल लेती थी, लेकिन उसकी सास तो केवल हिंदी ही समझती थी, इसलिए उदय की सारी बात उसकी सास को समझ में नहीं आती थी। ऊपर से उसे उन लोगों का खाना भी बनाना नहीं आता था, वो सिर्फ साउथ इंडियन खाना ही पका सकती थी, इसीलिए उसकी सास उसे बहुत कुछ सुनाती थी। और ऊपर से नौकरी करने के लिए भी रोज नई नई नाटक चलता था सास बहू में। एक तो बिन बुलाए मेहमान की तरह हमारे बेटे के साथ आ गई है, ऊपर से इसको ढंग से हिंदी भी बोलना नहीं आती, पता नहीं क्या बोलती है। अगर शादी करना ही था तो एक ढंग की लड़की से भी तो शादी कर सकता था। और खाना तो ऐसी पकाती है कि क्या बताऊं, किसी के खाने के लायक ही नहीं है, सारे खाने में ही खट्टा मिलाती रहती है। भगवान हमें इस चलती फिरती मुसीबत से छुटकारा दो। फिर आई उसकी नौकरी, एक काम तो उससे ढंग से होता नहीं है, ऊपर से वो सुबह सुबह निकल जाती है नौकरी करने। मादर, आर यू सेइंग समथिंग? नहीं बेटी, कुछ नहीं, तुम जाओ अपनी काम पर। फिर एक दिन जब उदय विजय के साथ बाहर घूमने गई, रस्ते पर एक गोलगप्पे वाले को देखकर उदय ने कहा, आई वॉन्ट टू ईट दिस। ओके डियर, लेट्स गो। वो दोनों गोलगप्पे वाले के पास जाते हैं। फिर उदय गोलगप्पे वाले से कहा, भैया मुझे गुपचुप देना। क्या 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 दो? जी गुपचुप। वो क्या होता है? जी वो गोलगप्पे मांग रही है, क्या है ना, वह यहाँ की रहने वाली नहीं है, तो साउथ में गोलगप्पे को गुपचुप बोला जाता है। आप दो। अच्छा, ऐसा क्या, लीजिए आपका गुपचुप। आस पड़ोस के लोग भी उसकी बात पर हंसते थे, कभी कभी मजाक बनाते थे, पर वो इस बात का बुरा नहीं मानती थी। उसकी इतनी धैर्य देख विजय उदय से और भी प्यार करने लगा। उदय, लोग तुम्हारी बातों का इतना मजाक बनाते हैं, तुम्हें गुस्सा नहीं आता? नो। क्यों नहीं आता? क्योंकि उनको समझ नहीं आते मेरी बात, इसलिए वो हंसते हैं। जिस दिन सबको समझ आएंगे उस दिन से नहीं हंसेंगे। और देखना, मैं बहुत जल्द तुम सबका भाषा भी सीख जाऊंगी और तुम सब लोग को कर डिशेज बनाना भी। तुम भी कमाल की हो, जितना तुम्हें हम देखते हैं उतना ही प्यार बढ़ जाता है। तुमको चुन के मैंने एकदम सही किया। ऐसे ही दिन बीतता गया। कुछ महीनों में वो साउथ इंडियन लड़की पूरी तरह विजय के घर की बहू बन गई। उसे अच्छे से हिंदी में बात करने से लेकर खाना पकाना तक सब कुछ आने लग गई थी। अब तो उदय पूजा पाठ और मंत्र भी बहुत अच्छे से बोलने लगी। ऐसे ही एक दिन पूजा के बाद उसकी सास ने उससे कहा, बहू आज तुम अपनी परंपरा को छोड़कर यहाँ के परंपरा को पूरी तरह से अपनाकर साबित कर दिया कि तुम ही लायक बहू हो, और मैं बहुत गलत थी। मैं जो भी लड़की ढूंढती पर तुमसा नहीं मिलती, तुम ही हमारे घर की लक्ष्मी हो, हमारी दक्षिण भारतीय लक्ष्मी, जो कि हमारे लिए कुछ भी कर सकती है।
तो आज तुम अपने पसंद का कुछ साउथ इंडियन खाना पका के हमें खिलाओ ना। ठीक है मम्मी जी।